हेलो भाइयों, मैं हूं पुष्कर। आज आप देख सकते हो हम इधर खड़े हैं भाई टाटा मोटर्स पे, और बहुत दिनों बाद आपके लिए कंटेंट निकाला है, लेकिन ऐसा निकाला है जो कि भाई एकदम वैल्यू फॉर मनी है। आप इधर देख सकते हो टाटा की तरफ से आने वाली हमारे पास खड़ी हुई है आज नेक्सॉन, और इसका हम डालेंगे आज वॉक अराउंड वीडियो की भाई इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। बाकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये आपका एक्सजेड प्लस वेरिएंट है जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है भाई। अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे देखो ना, पेट्रोल वाला वेरिएंट है आज हमारे पास, और इसमें आज हम जानेंगे कि भाई आपको क्या क्या देखने को मिलता है। वैसे ज़रूरत के इसमें सारे फीचर है, वो मैं आपको धीरे धीरे अभी एक्सप्लोर करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम आगे की बात कर लेते हैं कि भाई आगे आपको क्या क्या देखने को मिलता है। आगे आपको प्रोजेक्टर दिया गया है जो कि अपना भाई हेलोजन है। बाकी साइड में आपको ये वाला कॉर्नर लैंप देखने को मिल जाता है जो कि हेलोजन है, प्लस नीचे भी आपको अपने फॉग लैंप दिए गए हैं। तो ऐसा कुछ इसमें फ्रंट का प्रोफाइल है। बाकी आप इधर देखो तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में इधर पूरी फिनिशिंग दी गई है। नीचे अगर आप देखो तो आपको सिल्वर गार्निश वगैरह प्रॉपर दी गई है, उससे इस गाड़ी के बहुत ही ज़्यादा लुक आ जाती है। अगर आप सामने से देखो तो इधर क्रोम व्रोम जो लगा दिया है, और बाकी मस्कुलर बहुत है गाड़ी। अगर आप टैगोर से कंपेयर करो तो बड़ी सी तो खूब लग रही है, बाकी टैगोर का तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है। टैगोर तो है ही छोटी, लेकिन एसयूवीज में अगर आप बात करो ना तो भाई नेक्सॉन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। बाकी अगर आप इसके टायर प्रोफाइल साइज़ की बात करो, अगर हम साइड में चले तो पीछे वाला जो टायर है आपको ड्रम ब्रेक के साथ ही मिलता है, और आपको एलॉय व्हील देखने को मिलता है जिसकी प्रोफाइल है 215/60 R16, मतलब कि आपको 16 इंचेस के इसमें आपको एलॉय व्हील देखने को मिलते हैं जो कि सफिशियंट है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए। बाकी इसमें गोल मटोल सी कुछ डिज़ाइन दी गई है, हालांकि बहुत से लोगों को इसकी ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, लेकिन जो चाहने वाले नेक्सॉन के जो फैन लवर्स हैं वो भाई नेक्सॉन को किसी भी हालत में पसंद करना सही समझते हैं। बाकी अगर आप साइड में देखो तो आपको ORVMP LED इंडिकेटर दिया गया है। पीछे से अगर हम बात करें तो पीछे आपको कुछ ऐसा लुक देखने को मिलता है जो कि आजकल अगर आप बात करो ना सोनेट वगैरह में, आप देख रहे हो करेक्टिंग LED टेल लैंप्स आ रहे हैं, वो इसमें अभी तक दूर दूर तक नहीं आए हैं। वही अपना टिपिकल छोटे से अपने हेडलैम्प्स देते हैं जिसमें भी कि आपको हेलोजन ही अपना सेटअप देखने को मिलता है, चाहे आप बैकलाइट की बात करो, चाहे आप इंडिकेटर्स की बात करो, चाहे आप ब्रेकिंग लाइट की बात करो, सारे सारे आपको हेलोजन ही देखने को मिलते हैं। बाकी इधर बीच में LED का इस्तेमाल किया गया है। पीछे की बात करें तो इधर आपको वाइपर देखने को मिलता है, डिफोगर देखने को मिलता है, और टाटा की जैसा कि भाई अपनी छाप छोड़ती है, इधर आपको कुछ शेर वगैरह से भी देखने को मिलते हैं जो कि इसकी भाई निशानी है। पीछे की अगर आप देखो तो हाई माउंट स्टॉप लैंप भी देखने को मिलता है, और शार्क फिन एंटीना प्लस आपको रूफ ग्रिल वगैरह ये सब कुछ कंपनी से देखने को मिलता है, इसमें एसेसरी कुछ भी नहीं है। पीछे से कुछ ऐसी लुक आती है इस गाड़ी की। बाकी अगर आप रिवर्स कैमरा की बात करो तो वो आपको बिल्कुल हिडन यहाँ पर दिया गया है, किसी को दूर से पता भी नहीं पड़ता है कहाँ पर है। बाकी अगर आप हुंडई वगैरह में देखो तो नीचे आपको इधर लटका हुआ सा मिलता है, लेकिन इसमें अपना बॉडी में ही अटैच्ड है। लोकल फॉर लोकल का भी यहाँ पे आपको सिंबल देखने को मिल जाता है। चाबी की बात करें तो कुछ आपको ऐसी की देखने को मिल जाती है जो कि सारी टाटा की चाबियों में भाई सेम ही आपको की देखने को मिलती है, जिसमें कि अपना लॉक बटन है और अनलॉक बटन है, प्लस अगर आप हेडलाइट्स अपना ऑन करना चाहो तो कुछ ऐसे अपना ऑन कर सकते हो, प्लस ये जो LED है भाई जलती हुई काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है, इन्हें हम ऑफ कर देते हैं। बाकी इधर आप देख सकते हो बूट अनलॉक करने के लिए बटन है, इलेक्ट्रिक बूट टेलगेट इसमें नहीं आता है। बाकी अगर मैं आपको आगे की लाइट जली हुई दिखाऊँ तो कुछ ऐसी इसमें जलती है। बाकी यार ये कमी है कि आजकल आप अगर देखो वेन्यू में LED आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इसमें दूर दूर तक भी अभी तक नहीं दिए गए हैं। इसमें आपको पूरा सेटअप अभी भी हेलोजन ही देखने को मिलता है, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है इस कार की वो ये है कि आपको ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ मिलती है जो कि इस गाड़ी को लेने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो सब कॉम्पैक्ट SUV में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट SUV यही है, क्योंकि अगर आप वेन्यू को भी देखो उसे 4-स्टार मिले हैं, सोनेट की देखो तो उसे 2 या 3 स्टार मिले, मेरे को सर्टेनली पता नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा सेफेस्ट SUV इसी को ही माना जाता है सब कॉम्पैक्ट SUV कैटेगरी में। अंदर चलते हैं। बाकी इसमें कीलेस एंट्री वाला फीचर है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अपना चाबी जेब में रखनी है, और ये वाला जो रिक्वेस्ट सेंसर है ये आपको दबा देना है। बाकी जो अपने ORVM है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, अपने आप अपने ओपन हो जाते हैं। गाड़ी चलते हैं अंदर, लेकिन उससे पहले एक बारी बात कर लेते हैं डोर की। तो डोर आपको डुअल टोन कलर में मिलता है, इसका जो पूरा इंटीरियर है भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है डुअल टोन कलर में। इधर आप देखो तो बीच कलर का इंटीरियर आपको इसमें देखने को मिलता है, और इधर आपको फैब्रिक का सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। बाकी इधर आप बात करो तो हार्ड प्लास्टिक ही आपको दिया गया है।
नीचे की आप बात करोगे इधर आपको स्पीकर है, बाकी आप अपना इधर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कपड़ा वगैरह रख सकते हो। अंदर बैठते हैं कार के और पुश स्टार्ट बटन आपको इसमें इधर देखने को मिलता है, इसको आप दो बार दबाओगे पूरा अपना जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है कि इसमें सारे जितने भी जरूरत के फीचर है ना वो आपको इसमें सब कुछ देखने को मिलता है, चाहे आप बात करो क्रूज कंट्रोल की या फिर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की या फिर अपना इको पावर सिटी मोड की, इको स्पोर्ट और सिटी मोड की, चाहे आप बात करो इस टच स्क्रीन की, इन सारी चीजों में कोई भाई भेदभाव नहीं करा गया टॉप वेरिएंट से, सारी चीजें आपको लगभग सेम ही देखने को मिलती हैं। बाकी जो छोटे मोटे कॉस्मेटिक फीचर है वो आपको सिर्फ कम देखने को मिलते हैं। अगर आप रिवर्स कैमरा की बात करो तो आपको रिवर्स कैमरा भी देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, काम चला हुआ है। बाकी अगर आप इसके मीटर कंसोल की बात करो तो वो भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बाकी अगर आपको मीटर की जानकारी छेड़नी है तो वो आप इधर से ये जो डंडी सी दी हुई है इन्हीं से ही अपना छेड़ सकते हो, बस इस वाली डंडी से आप अपना एवरेज वगैरह या फिर आपकी जो रेंज वगैरह वो आप अपना ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह ये सब रिसेट कर सकते हो। तो ये सारा काम इसमें आप इधर से कर सकते हो। बाकी ये चीज़ गलत है कि आपको इस मीटर में भी ये डंडी वाला सिस्टम दिया गया, ये मेरे को सबसे बुरा लगता है। आप इधर भाई स्टीयरिंग माउंटेड बटन से दे देते तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहते और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता। अगर आप स्टीयरिंग की बात करो तो वही आपको लेदर रैप्ड देखने को मिलता है जैसा कि आप देख सकते हो, प्लस आपको ये जो पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील कराती है। बाकी अगर आप इधर देखो तो इधर आपको हॉर्न देखने को मिलता है, लेकिन आप हॉर्न इसका साइड से ही बजा सकते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। जैसे आजकल भाई ट्रैफिक वगैरह में देखो बीच में हाथ लाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, आप इधर से ऐसे हॉर्न इसमें बजा सकते हो। अब बात करते हैं मिडल में आपको क्या देखने को मिलता है। इधर तो भाई आपको वही अपना बेकार सी डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसका रिस्पॉन्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेकार सा ही लगता है, क्योंकि यार इतने ज़्यादा फटे फटे पिक्सल है ना इसमें, देखने बिल्कुल मज़ा नहीं आता और ना ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। बाकी इसका जो रिस्पॉन्स है वो भी मेरे को काफ़ी बेकार सा ही लगता है, क्योंकि मैं अभी हाल ही में वेन्यू यूज़ कर रहा हूँ, वेन्यू का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टच रिस्पॉन्स है। बाकी अगर आप इसकी क्वालिटी की बात करो तो वो भी आपको उसमें बेटर देखने को मिलती है। नीचे की अगर आप बात करो तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, और उसके नीचे अगर आप बात करो तो बूट अनलॉक करने का बटन है, प्लस आपको डोर सारे अनलॉक लॉक करने का बटन है, प्लस अगर आप उसके नीचे की बात करो तो इधर आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिधर कि आपको यूएसबी का पोर्ट देखने को मिलता है, प्लस एक 12 वोल्ट का सॉकेट इसमें दिया गया है। बाकी अगर आप थोड़ा सा ऊपर की साइड चलो ना तो इसमें आपको इधर की साइड तो कोई मिरर नहीं दिया गया है, लेकिन आप इधर की साइड देखो तो आपको एक मिरर दिया गया है। लेकिन अगर आप एज कंपेरेटिवली वेन्यू या सोनेट वगैरह से कंपेयर करो तो इसमें आपको भाई इधर जो अपना लाइट है वो नहीं दी गई है। बाकी अगर आप और कार्स में देखो तो उधर आपको मिरर के साथ साथ लाइट भी प्लेस दी जाती है, लेकिन इसमें आपको कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। लेकिन एक बढ़िया चीज़ जो है इसमें वो ये है कि आपको इसमें LED सेट पर देखने को मिलता है इंटीरियर लाइट में, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। आपने अगर आप थोड़ी वीडियोस पहले में देखा हो तो मैं अपनी ये लाइट चेंज करवा कर आया था वेन्यू में, जो कि हेलोजन आती थी और बिल्कुल भी उजाला नहीं देती थी, इसमें आपको पहले से ही अपना LED सेटअप दिया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। बाकी अगर आप सनरूफ की बात करो ना तो सनरूफ कंपेरेटिवली तो बहुत छोटी अगर आप वेन्यू से कंपेयर करो तो, लेकिन जब आप इसे खोलते हो ना तो ये खोल बहुत वाइड जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा ब्लाइंड पीछे तक चला जाता है, लेकिन जब आप इसे बंद करते हो ना तो इसमें ज़्यादा एरिया नहीं रहता, जैसा कि आप देख सकते हो इससे पीछे नहीं जाता है इसका जो ब्लाइंड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ है। मतलब सनरूफ का जो एरिया है ना वो बहुत छोटा सा रह जाता है, बाकी अगर ये ब्लाइंड और पीछे चला जाता तो काफ़ी ज़्यादा एरिया बढ़ सकता था, लेकिन अभी ये फिलहाल में सनरूफ बहुत छोटी महसूस होती है। बाकी अगर आप अंदर की बात करो तो इसमें आपको हारमन की इधर बैजिंग भी देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब है कि इसमें आपको हारमन गार्डन का पूरा म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको चार स्पीकर अपने देखने को मिलते हैं, बाकी अपने दो ट्विटर देखने को मिलते हैं जो कि आपको इधर प्लेस कराए गए हैं। बाकी अगर आप माइक की बात करो तो वो आपको इधर देखने को मिलता है, तो ऐसा कुछ आपको सिस्टम देखने को मिलता है। बाकी अगर आप डोर्स पे भी देखो तो इधर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश की दी गई है। बाकी अगर आप डोर ओपनर की बात करो तो इधर भी आपको क्रोम फिनिश पूरे देखने को मिलती है। बाकी ये जो पूरा सेटअप आ रहा है नीचे की साइड, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा लगता है देखने में। इधर आप देखो तो अगर इसे पैक करते हैं तो हैंड ब्रेक वगैरह की प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया करी गई है। गियर नॉब की बात करो तो बाकी आप कार्स में देखते होंगे कि भाई रिवर्स गियर उधर की साइड लगता है ऐसे ऐसे ऊपर करके, लेकिन टाटा में भाई अगर आप नेक्सॉन में देखते हो तो इसमें आपको बैक गियर ऐसे ही लगाना पड़ता है।
कैमरा क्वालिटी की बात करो तो इतनी ज्यादा बढ़िया तो है नहीं, पर ठीक है, काम चला हुआ है। दिन में अगर आपको यूजेज है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आप रात में, भाई अंधा कर देगी, इतना ज्यादा बढ़िया इसका रेस्पॉन्स नहीं है। अगर आप इसकी बात करो आर्मरेस्ट की, तो इसे भी आप अपना खोल सकते हो। बाकी इसकी जो प्लेसमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़िया करी गई है, इधर आपको हाथ वाथ रखने में कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं महसूस होती। और बाकी अगर आप कार्स में देखते हो तो हैंड ब्रेक आपको बहुत नीचे की साइड प्लेसमेंट देखने को मिलती है, लेकिन इसमें आपको ऊपर ही की साइड है, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट इंक्रीज हो जाता है इन सब छोटी छोटी चीज़ों से। बाकी अब इधर आगे की अंदर की बात तो हो चुकी है, पीछे चलते हैं और देखते हैं इसमें आपको क्या कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, स्टेयरिंग आपको पूरा लेदर रैप देखने को मिलता है। प्लस अगर आप इधर देखो तो इधर आपको लाइट्स के कंट्रोल, इधर आपको वाइपर्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, और क्रूज कंट्रोल आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अब चलते पीछे की साइड और देखते हैं आपको क्या कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप डोर हैंडल पर भी बात करो तो इधर भी आपको क्रोम फिनिश दी गई है। डोर की अगर आप बात करो ना, तो भाई पीछे वाला डोर भी आपको वही सेम देखने को मिलता है जैसे कि आपको आगे सेटअप देखने को मिलता है। इधर भी आपको फैब्रिक की सॉफ्ट फिनिश में अपना डोर दिया गया है। इधर आपको हार्ड प्लास्टिक की देखने को मिलती है डोर पर। इधर आपको पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। इधर आप पावर विंडो को अपना एडजस्ट कर सकते हो। नीचे भी आपको इसमें स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। बाकी नीचे आप इसमें बोतल तो नहीं आ पाएगी, पर हाँ कपड़ा वगैरह या कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपको रखना है तो आप इसमें रख सकते हो। बैठने में गाड़ी में भाई काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है। सीट अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और अंडर थाई सपोर्ट की चाहे आप बात करो या आप लेग रूम की बात करो, काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है। ये सीट मैंने पूरी पीछे कर रखी है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कैमरे की जो वो है, मतलब जो पूरा एरिया है वो नहीं आ पाता, इस वजह से मैंने सीट पूरी पीछे कर दी थी। और फिर भी आप देख सकते हो स्पेस काफ़ी ज़्यादा अभी भी इसमें बचा हुआ है। और जैसा कि भाई वेन्यू में काम करा गया है, वही सेम काम आपको इसमें भी देखने को मिलता है। पीछे का स्पेस बढ़ाने के लिए सीट को अंदर से थोड़ा कट करा गया है, जिससे कि आपका जो लेग रूम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। और हाल ही में भाई मैं जो फील कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि भाई वेन्यू से काफ़ी ज़्यादा इसमें कंफर्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। रियर की अगर आप एसी की बात करो तो वो भी आपको इसमें इसमें प्लेसमेंट इधर दी गई है। इधर की अगर आप बात करो तो इधर ऐसा ही खाली सा ही पोर्ट छोड़ दिया है। पीछे भी ये चाहते तो चार्जर वगैरह दे सकते थे। पीछे की अगर आप बात करो तो आर्मरेस्ट वगैरह आपको इसमें प्रॉपर देखने को मिल जाता है। हेडरेस्ट की बात करो तो दोनों साइड आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। पीछे की अगर आप बात करो तो पार्सल ट्रे भी इसमें आपको दी गई है। पीछे का जो कम्फर्ट है भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बाकी अगर मेरे को बुराई करनी होती तो मैं कर भी सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाई मैं जो सच में फील कर रहा हूँ ना, अगर मेरे को बुरी लगती चीज़ तो मैं बता देता कि भाई बुरी लग रही है, लेकिन सही में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पेस है और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट के मामले मेरे को पसंद आई है। बाकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो तो वो इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा अभी भी सुधार किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाकी कंफर्ट वगैरह के मामले बात करो या ड्राइव क्वालिटी में बात करो तो वो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें अभी बढ़िया देखने को मिल जाती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, जैसे कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया और ये अपना डिस्प्ले हो गई, इसमें सुधार किया जा सकता था। तो यही बस एक सजेशन है मेरा। बाकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एयरी फील होती है और बड़ी बड़ी सी फील होती है इस प्राइस पॉइंट पर। बाकी अगर आपको जो पीछे का बूट खोलना है ना, उसके लिए आपको इधर बटन दिया गया है, और ये अपना इसके हाइड्रोलिक्स काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब खुद ही खुल जाता है। इधर भी आपको प्रोटेक्शन वगैरह दी गई है भाई, इधर कॉस्ट कटिंग करी गई है। इधर ही अपना प्लास्टिक की प्रोटेक्शन दे सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इधर ही कपड़ा सा बांध के दिया है, जिसकी फिट एंड फिनिश इतनी ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अगर आप बूट स्पेस की बात करो तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कितने लीटर्स का है। बाकी आपको इधर भी लगेज लैंप देखने को मिल जाता है, पार्सल ट्रे वगैरह इसमें भी दी गई है। ऐसा कुछ इसका बूट दिखता है, प्लस गाड़ी डिग्गी खोलने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। इसको कर देते हैं बंद, और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी पड़ती कितने की है। अगर आप इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करो ना, तो ये एक्स शोरूम आपको 10,38,000 रुपए की देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से भाई काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकती है इस प्राइस पॉइंट पे। क्योंकि अगर आप इसमें देखो ना, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ आ रहा है, हारमन कार्डिंग का स्पीकर सिस्टम आ रहा है, प्लस अगर आप साइज में भी देखो तो इसके प्राइस कॉन्सपेट जो जितनी भी एसयूवी आती है ना, उन सबसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और अगर आप एक और चीज़ देखो तो इसमें आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी देखने को मिल जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसको बना देती है। प्लस अगर आप सनरूफ से बात करो या हर चीज़ से बात करो, स्पेस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। प्लस अगर आप मैं आपको इंजन के स्पेक्स बताऊँ तो इंजन इसमें आपको जो मैंने आपको वेरियंट दिखाया, ये पेट्रोल है, इसमें आपको 118 BHP का इंजन देखने को मिलता है, 1.2 लीटर का, जो कि 118 BHP निकालता है।
तो ऐसा कुछ इसमें आपको इंजन देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ भाई नेक्सॉन, आपका क्या विचार है इसके लिए कमेंट में जाके जरूर बताना, और गाड़ी कैसी लगी वो भी कमेंट में जाके जरूर बताना। वीडियो देखने आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।